बापूजी कैसे हैं? इतनी देर क्यों हो रही है? बोलिए ना। उन्हें अपना काम करने दो। तुम आओ तुम। अरे तुम आओ। इतनी देर क्यों हो रही है ऑपरेशन के लिए? तुम यहाँ आओ, तुम आराम से बैठो, कुछ नहीं हो। कुछ तो गड़बड़ है सागर जी, इतना वक्त क्यों लग रहा है ऑपरेशन में? मैंने कहा ना मही, चिंता की कोई बात नहीं है। सागर जी चिंता की बात है इसलिए मुझे छुपा रहे। सच सच कहिए क्या हुआ है बापू जी को? हाँ ना, ऐसा कुछ नहीं। आप मेरी कसम खाइए, बताइए क्या हुआ है। सागर जी आपको मेरी कसम, सच सच बताइए। मैं काका को थ्रोट कैंसर है। वही संभालो अपने आप को। देखो अहमदाबाद और वडोदरा से स्पेशल टीम आई है उनके इलाज के लिए। देखो चिंता की बात है लेकिन हम हौसला नहीं छोड़ सकते मई, और जानती हो मेरा दिल कहता है कि काका बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो बिल्कुल चिंता मत करो, हिल बी ऑल राइट। भाई रो मत मई। Congratulations to all of you. Yes, operation is successful. Oh, चिंता की कोई बात नहीं। इसीलिए बेटा अब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए। इनके गले में जो गांठ थी वो निकाल दी गई, बट शायद वो गांठ फिर से डेवलप हो सकती है, इसलिए हमने बायोप्सी के लिए भेजा। वो रिपोर्ट आने के बाद नटू भाई की आगे की ट्रीटमेंट हम तय करेंगे। इनिशियल स्टेज पे था ये, और शरीर के बाकी हिस्सों में फैले उससे पहले हमने ऑपरेशन कर लिया है, तो खतरा टल चुका है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुझे नहीं, इनको बोल, इनके बगैर ये ऑपरेशन पॉसिबल नहीं था। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम बेटा। सच बात कहूं तो ये थैंक्स के सही हकदार मिस्टर सागर है। इन्होंने हम सारे एक्सपर्ट को यहां इकट्ठा किया, लिए पॉसिबल हुआ। अरे नहीं सर, मेरे कहने पर आप अपना सारा काम छोड़कर यहाँ चले आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपका दिल से आभारी हूँ। सर आपकी जो भी फीस हुई आप मुझे बता दीजिए, मैं उसका इंतजाम कर देता हूँ। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मिस्टर सागर? एक काम करिए, आप हमें आपके घर बुलाइए, चाय पिलाइए, बस यही हमारी फीस है। अगर ज्यादा आप फीस देनी है थोड़ा सा नाश्ता भी करवा दीजिएगा। ओके सागर जी, एक घंटे के बाद आप लोग अपने बाबूजी से मुलाकात कर सकते हैं, ठीक है? ओके। अब काका एकदम ठीक हो जाएंगे। आप तो कुछ खा लो, चलो कैंटीन चले।
सागर जी आप कौन हैं? तुम्हारा पति भूल गई क्या? वैसे राजू और हेमू को तुमने बताया कि नहीं कि हमारी शादी हो गई है? वो सब तो ठीक है, पर सागर जी हमारे आने से पहले यहाँ सारे इंतजाम हो चुके थे। बापूजी को भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही थी। आप बताइए ना, आप कौन हो? अरे भाई, एक मामूली इंसान हूँ, और क्या? नहीं नहीं, आपके एक फोन करने से इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ हाजिर हो गए, और ऊपर से ट्रीटमेंट का एक रुपया भी नहीं लिया। आप बताइए आप कौन हो? तुम्हें याद है मही, मैंने तुम्हें नदी किनारे क्या कहा था? मही, तुम मेरी मॉम का नाम सुनोगी ना तो खुशी से डांस करने लगोगी। हाँ याद है। आ, तो बस उसी मॉम का बेटा हूँ। तो बताइए ना सागर जी, उनका नाम क्या है? देखो ये हॉस्पिटल है, नाम सुन के तुम नाचना कूदना मत। बोलो ना सागर जी, क्या नाम है? अच्छा ठीक है, बताता हूँ। उनका नाम है मिसेज अनसुईया मेहता।